अंडमान टूरिज्म ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप लोग हमारे थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक में है। न्यूज नेशन वालों ने 8 दिन पहले एक वीडियो डाला है। उस वीडियो में बताया गया है कि अंडमान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक हुआ है और सुनामी आने का संभावना है। मैं आप लोग से कहती हूँ कि ये सारे बड़े झूठ है और इन लोग DRP के लिए ही न्यूज बनाते हैं, या फिर वो झूठ ही क्यों न हो। मैं खुद अंडमान के रहने वाली हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि अंडमान में ये सा कुछ भी नहीं हुआ है। अंडमान में कोई अर्थक्वेक या सुनामी का खतरा नहीं है। इस वीडियो में आप देखिए, इसमें दिखाया गया कोई भी वीडियो अंडमान का नहीं है, ये सारे वीडियो कहीं और का है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ विद्यानाथ झा, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। दुनिया में चाहे यूक्रेन रूस की जंग का शोर हो, चाहे मंदी की दस्तक का जिक्र हो, लेकिन इस बीच एक ऐसा खतरा है जो अचानक से आएगा और इतनी तबाही मचाएगा जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। उस तबाही का अलर्ट पिछले 3 दिनों में अंडमान निकोबार में दिख। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के वीडियो को न देखें। ये सारे लोग DRP के लिए कुछ भी बोलते हैं। हाँ, लेकिन अंडमान में 3 दिन से बारिश जरूर होती है। बारिश होने का मतलब ये नहीं है कि अर्थक्वेक भी होगा, तो जरा सोच समझ के न्यूज बनाए। अंडमान टूरिज्म व्लॉग्स में आने के लिए धन्यवाद। आप और आपका परिवार का ध्यान रख के आपसे हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।